तो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से माइंड गार्ड में। मैं फिर से हाजिर हो चुका एक नए वीडियो के साथ। सो इस वीडियो में मैं बात करने वाला रैन और साइन कोरियन ड्रामा के बारे में, जिसका अपडेट मैंने कल ही दिया था। सो आज मैं बताने वाली हूँ ड्रामा किस तरह का है, आपको देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना सारी चीज़ें कवर करने के लिए। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली दफा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पे हमेशा नए ड्रामे से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। सो स्टार्ट करते बिना देर के। सो अगर बात कीजिए इस ड्रामे के बेसिक्स के बारे में, तो ड्रामे को 8.6 की रेटिंग मिली आउट ऑफ 10 और इसमें टोटल 16 एपिसोड है, जिसकी रनिंग टाइम 1 घंटे 13 मिनट की रखी गई है। और 16 में से अभी 4 एपिसोड को हिंदी में डब करके प्रोवाइड की गई है, और मैं उन्हीं 4 एपिसोड के बेसिस पे इस ड्रामे की रिव्यू करने वाला हूँ। ओके, तो अगर बात कीजिए इस ड्रामे में स्टोरी की, तो इस ड्रामे में आपको कहानी देखने को मिलता है एक लड़की जिसका नाम होता है मोनसू। मोनसू अपने सिस्टर के साथ एक इवेंट में गई होती है, जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इस ड्रामे का मेन लीड जिसका नाम होता है कांगदू, जो कि एक सॉकर प्लेयर होता है, वहाँ पे शामिल होता है। अब वहाँ पे एक ऐसा हादसा होता है जिसके वजह से इन दोनों की ज़िंदगी पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। अब ऐसा क्या होता है जो इनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से चेंज हो जाती है, ये जानने के लिए तो आपको इस ड्रामे को देखना पड़ेगा। उस हादसे के हुए 10 साल बीत जाते हैं, लेकिन 10 साल बाद भी उन दोनों को मतलब नाइट्स में आते रहते हैं। अब डेस्टिनी किस तरह से उन दोनों को मिलाती है और क्या क्या खेल रचती है उन दोनों को नज़दीक लाने के लिए, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको इस ड्रामे को एंड तक देखना पड़ता है। सो बात कीजिए इस ड्रामे के डबिंग के बारे में, तो ड्रामे की डबिंग मतलब ठीक ठाक है, और बात कीजिए इसमें करेक्टर डेवलपमेंट के तो बहुत ही ज़बरदस्त है, और जो मेन लीड्स है उनके करेक्टर डेवलपमेंट मतलब ज़बरदस्त तरीके से की गई है। और साथ ही साथ जो इसमें आपको स्टोरी देखने को मिलता है वो कमाल की, वो पूरी तरीके से कनेक्ट करके रखती है। अगर आपको एक इमोशनल रोमांटिक ड्रामा देखना पसंद है तो ये ड्रामा आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। इसकी जो स्टोरी है बहुत ही तगड़ी है, और इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो भी काफ़ी तगड़ी है। लेकिन हो सकता है ड्रामा अपने लेंथ की वजह से आपको थोड़ा सा बोर फील करा सकती है, लेकिन इस चीज़ को अगर आप साइड में रख के इसके स्टोरी पे ध्यान देते हो, इसके इमोशंस पे ध्यान देते हो, तो ये ड्रामा आपको बिल्कुल कनेक्ट करके रखेगी और बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और साथ ही साथ ये आपको इमोशनली बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट करके रखेगी, यदि आप एक इमोशनल पर्सन हो तो। अगर आप एक बहुत ही बेहतरीन रोमांटिक ड्रामा ढूंढ रहे थे देखने के लिए, जो कि आपको कनेक्ट करके रखे अच्छे से, तो ये ड्रामा आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। और मुझसे पूछो तो ये ड्रामा आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी सी मतलब ओल्ड तो है, लेकिन इसकी जो सिनेमेटोग्राफी है वो बिल्कुल अच्छी है और बिल्कुल नए की तरह आपको फील कराएगी और बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। सो ये ड्रामा आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। अगर मुझसे पूछो कि ये ड्रामा मुझे कैसा लगा, तो मुझे ये ड्रामा बहुत ही अच्छा लगा और मुझे अभी तक कनेक्ट करके रखा है। 4 एपिसोड मैंने देखा है और इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अभी, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये जब नेक्स्ट वीक आएगी तभी देख जा करके देख पाऊंगा, तो फाइनली मैं कह सकता हूँ कि ये ड्रामा बहुत ही अच्छा है और आपको ज़रूर देखना चाहिए। सो बस इतना ही, आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो क्या करना है आपको पता है, लाइक करना, शेयर करना है, और चैनल को अभी तो सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना है। मैं मिलता हूँ इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, ठीक है।